हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जनेंद्र पात्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MGCI लर्निंग सिंप्लीफाइड पर, जहां आपको एग्रीकल्चर एजुकेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, रेस्पिरेशन के बारे में, इसके सामान्य परिचय के बारे में मैंने आपको बताया था। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के, जो है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन मीन्स कि वो कौन कौन से प्रोसेस हैं जो रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो सबसे पहला प्रोसेस आता है, सबसे पहला जो स्टेप है, वो है ग्लाइकोलिसिस। आई होप आप लोगों ने ग्लाइकोलिसिस के बारे में जरूर सुना होगा, ग्लाइकोलिसिस के बारे में आपको जरूर पता होगा। बट ग्लाइकोलिसिस के कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं जो PAT या फिर ICR BHU में बहुत ही ज़्यादा सवाल वहाँ से पिकअप किए जाते हैं। तो सबसे पहली बात, ग्लाइकोलिसिस को और किस नाम से जाना जाता है? ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों उन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस की खोज की थी, एम्बर्डन मेयरहॉफ एंड पार्नस। इन्होंने ही ग्लाइकोलिसिस की खोज की थी। ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है, यह किसी भी जीवों में फूड मटेरियल्स के ऑक्सीडेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है, सबसे पहला प्रोसेस होता है। यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में पैनिक एसिड का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पैनिक एसिड के दो अणुओं का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो प्रोसेस है जो ग्लाइकोलिसिस के बाद श्वसन की क्रिया में भाग लेती है, वो है साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड या फिर TCA साइकिल भी इसे बोला जाता है, और इस साइकिल का खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनका पूरा नाम है हैंस क्रेब, इसलिए इसे क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका के जीवद्रव्य में होता है, और साइट्रिक एसिड की क्रिया जो होती है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। इस साइट्रिक एसिड में क्या होता है, एक्चुअली जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड का निर्माण होता है, और ये जो पाइरुविक एसिड होता है, एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, और यही फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होती है। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड का निर्माण होता है, और क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, इसी पाइरुविक एसिड साइट्रिक एसिड में परिवर्तित होकर के फिर साइट्रिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तित होकर के साइट्रिक एसिड का निर्माण करता है। साइट्रिक एसिड का अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें, तो साइट्रिक एसिड में टोटल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड पाए जाते हैं। साइट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिल एसिड कंपाउंड पाए जाते हैं, इसीलिए इसे TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, TCA मींस ट्राई कार्बोक्सिल एसिड साइकिल के नाम से जाना जाता है। अगली जो स्टेप है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। कहीं कहीं पे इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चैन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बताया कि जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में ATP का भी फॉर्मेशन होता है ऊर्जा के रूप में, और एक और एनर्जी का जो रूप है NADPH2, इसका निर्माण होता है। क्रेब्स साइकिल में भी NADPH2 का निर्माण होता है,
इन क्रैब्स साइकिल। तो आप लोगों को यहाँ पे एक बात जानना बहुत आवश्यक है, हमारे शरीर में जो एनर्जी संचित होती है, स्टोर होती है, वो किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में संचित होती है। और ये जो NADPH2 है, ये भी क्या है? एक एटीपी का एनर्जी का एक क्या है? रूप है। तो इसमें जो एटीपी मौजूद है NADPH2 में, इस एटीपी को रिलीज करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। और ये रिलीजिंग का जो काम होता है NADPH2 से एटीपी का बनना, ये जो रिलीजिंग का काम होता है, ये कहां पे होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के प्रोसेस के दौरान होता है, ठीक है। और अंततः रेस्पिरेशन का जो सबसे लास्ट प्रोसेस होता है एनर्जी रिलीज, ठीक है। ये एनर्जी रिलीज मींस सबसे लास्ट में एनर्जी विमुक्त हो जाती है और हमारे सेल्स के, हमारे शरीर के सेल्स में नीड्स के अकॉर्डिंग, आवश्यकता के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर भेज दिया जाता है। तो आइए देखते हैं ग्लाइकोलिसिस, साइट्रिक एसिड साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड एनर्जी रिलीज के बारे में डिटेल्स में। श्वसन की क्रिया में जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वह होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बारे में आई होप आप लोगों ने जरूर सुना होगा। आज इस ग्लाइकोलिसिस के कौन कौन से वो सबसे मेन पॉइंट्स है जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए, वो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। EMP पाथवे, ये जो EMP है, ये इसकी खोज, ग्लाइकोलिसिस की खोज तीन साइंटिस्ट थे, एम्बेडन, मेयरहॉफ और पार्सन। ये तीनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस का खोज किया था, इसलिए इसे EMP पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला चीज तो ये ग्लाइकोलिसिस का, दूसरा नाम क्या है? EMP पाथवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा जो प्रोसेस है जिसे साइट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, इसे TCA साइकिल भी कहते हैं, इसे TCA साइकिल भी कहा जाता है। साइट्रिक एसिड साइकिल या फिर TCA साइकिल का खोज क्रेब्स, हैंस क्रेब नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसे क्रेब साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पे जो क्रेब साइकिल को लेकर के पहला क्वेश्चन बनता है PAT को लेकर के, वह है TCA साइकिल या फिर साइट्रिक एसिड साइकिल किसे कहते हैं, ठीक है। इन दोनों का नाम पूछ सकता है कि TCA साइकिल का अदर नेम क्या है या फिर साइट्रिक एसिड साइकिल का अदर नेम क्या है। जो तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चैन। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में एक्चुअल में एनर्जी रिलीज होती है, एक्चुअल में एनर्जी रिलीजिंग का ये प्रोसेस होता है। और लास्ट जो प्रोसेस है एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज मतलब इन तीनों प्रोसेस के बाद, ग्लाइकोलिसिस, साइट्रिक एसिड एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इन तीनों प्रोसेस के बाद जो लास्ट वाला प्रोसेस होता है वो होता है एनर्जी रिलीजिंग का, जो कि इन तीनों प्रोसेस का सबसे मेन ऑब्जेक्ट होता है। ये जो तीनों प्रोसेस होते हैं, वो तीनों प्रोसेस किस लिए होते हैं दोस्तों? एनर्जी रिलीज के लिए, एनर्जी रिलीज के लिए, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ ATP, एनर्जी किस रूप में हमारे शरीर में रिलीज होते हैं या फिर स्टोर होते हैं? ATP। मैंने आप लोगों को कल बताया था ये ATP क्या होता है। कभी कभी इस ATP का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को ATP, ADP, ये दोनों का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए अभी सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है जिसको हम अभी देखेंगे ब्रीफली, उसके बारे में चर्चा करेंगे, वह टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो होता है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ग्लाइको मतलब क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है, फर्स्ट वन इज ग्लाइको एंड सेकंड वन इज लिसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज एंड लिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक। मतलब सीधे सीधे इसके नाम से पता चल रहा है दोस्तों, ग्लूकोज का टूटना या फिर ग्लूकोज का ब्रेक होना, यही होता है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में।
ओके। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, यहां पर सबसे जो मेन और सबसे पहला जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज टूट करके किस में परिवर्तित हो जाता है, पाइरूविक एसिड में। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद वो किस में चेंज हो जाता है, पाइरूविक एसिड में। आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है वो सेल के किस भाग में होती है, किस पार्ट में होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। सेल का जो साइटोप्लाज्म पार्ट होता है वहां पे ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। तो यहां तक अगर ग्लाइकोलिसिस की बात किया जाए तो आप लोगों को तीन बातें पता चल गया। पहला चीज, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में होता क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस क्रिया में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, पाइरूविक एसिड। और ग्लाइकोलिसिस का क्रिया कहां होता है, तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है, अगर इसका अध्ययन हम करना चाहें तो ग्लाइकोलिसिस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ग्लाइकोलिसिस से क्या बनता है, पाइरूविक एसिड। आप सभी को पता होगा ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, पाइरूविक एसिड। यहां पे ग्लूकोज पाइरूविक एसिड में चेंज होता है, ग्लूकोज में टोटल कितने कार्बन होते हैं दोस्तों, 6 कार्बन। ग्लूकोज इज ए 6 कार्बन कंपाउंड एंड पाइरूविक एसिड में होता है टोटल 3 कार्बन। तो आप लोगों को यहां पे समझ लेना है ग्लूकोज में टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन। पाइरूविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। इसका मतलब है कि ग्लूकोज में पाइरूविक एसिड के 2 पाइरूविक एसिड के अणुओं का निर्माण होता है, एक ग्लूकोज के एक अणु से पाइरूविक एसिड के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ग्लूकोज के एक अणु से पाइरूविक एसिड के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ग्लूकोज में टोटल कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। वही पाइरूविक एसिड में दोनों पाइरूविक एसिड अणुओं में टोटल कितने कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन ईच। ओके, ये दोनों कितने हो गए, 6 कार्बन। ठीक है, मतलब आप लोग यहां पे समझ लीजिए एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में किसी भी प्रोसेस में, ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, तो किसी भी स्टेप में कार्बन का डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है, मतलब कार्बन का लॉस नहीं होता है। तभी तो यहां पे ग्लूकोज में टोटल 6 अणु है और पाइरूविक एसिड के 2 अणुओं का निर्माण होता है जिसमें प्रत्येक में 3-3 अणु है। कार्बन के कितने अणु है, 3-3 अणु है। तो ये तो रहा ग्लाइकोलिसिस के बारे में सबसे ब्रीफली इंट्रोडक्शन, एक बहुत ही सामान्य सा इंट्रोडक्शन है जिसमें आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल गई है। एक और बात ग्लाइकोलिसिस के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलिसिस में एक्चुअल में ये जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, इट्स अ प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, या एनर्जी के प्रोडक्शन करने का एक प्रोसेस है। अब देखते हैं कि इसमें टोटल कितने एनर्जी का उत्पादन होता है, कितना एनर्जी इसमें बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ग्लूकोज के एक अणु के एक मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीडेशन से पाइरूविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और इसमें टोटल 4 एटीपीज का निर्माण होता है, टोटल 480 का निर्माण होता है। टोटल कितने एटीपी का निर्माण होता है, 10 प्रोसेस में, 10 स्टेप्स में 4 एटीपी का निर्माण होता है, जो कि, और इसी प्रोसेस में दोस्तों ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है, कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर या प्लांट बॉडी में हो रही है, तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो
तो यहां पर भी ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में भी क्या होता है, एनर्जी वेस्ट भी होता है और एनर्जी क्या होता है, प्रोड्यूस भी होता है। तो यहां पर टोटल 4 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें से 2 एटीपी क्या हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। टोटल बनते कितने हैं, 4 एटीपी, और कंज्यूम कितने होते हैं, 2 एटीपी। तो यहां पे टोटल कितना एटीपी, हमको नेट गेन कितना मिला, हमको लाभदायक जो एटीपी है कितने एटीपी का लाभ हुआ, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पीएटी के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में कुल कितने एटीपी का निर्माण होता है, कितने एटीपी का लाभ होता है। तो यहां पर 4 - 2 = 2 एटीपी, 2 एटीपी का निर्माण होता है। यह तो रही एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एक और बात जो आप लोगों को बहुत जरूरी है जानना पड़ेगा, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में एटीपी के साथ साथ NADPH2 इसके भी दो मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, दो मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। मतलब एटीपी के, दो एटीपी के साथ साथ दो NADPH2 का भी निर्माण होता है, वो भी कितने अणु, दो NADPH का निर्माण होता है। अब देखते हैं NADPH2 में क्या होता है, NADPH2 में क्या एटीपी उपस्थित होती है, क्या NADPH एक ऊर्जा का रूप है। तो जो NADPH होता है, NADPH2, वन मॉलिक्यूल ऑफ NADPH में एटीपी के 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने, 3 मॉलिक्यूल्स। NADPH2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटीपी निर्माण होते हैं, 3 एटीपी का निर्माण होता है। मतलब ग्लाइकोलिसिस में टोटल कितने NADPH2 बने हैं, 2 NADPH2। NADPH2 के कितने, 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं। मींस अगर एक NADPH2 के मॉलिक्यूल से 3 एटीपी का निर्माण होता है, तो 2 NADPH के मॉलिक्यूल से कितना एटीपी का निर्माण हो जाएगा, 6 एटीपी का निर्माण हो जाएगा। ओके? तो अगर हम एटीपी के फॉर्म में बात करें, NADPH को भी कन्वर्ट कर दें ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में, NADPH को भी हम अगर कन्वर्ट कर दें एटीपी में, काउंट करना चाहें, तो टोटल ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में टोटल, पहले यहां पे मैंने आप लोगों को बताया 2 एटीपी का निर्माण होता है, प्लस यहां पे कितना हो गया, 6, तो टोटल कितने एटीपी हो गए, 8 एटीपी। टोटल कितने एटीपी हो गए, 8 एटीपी। बट ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में NADPH2 के 2 अणुओं का निर्माण होता है, जो कि आगे चल के क्रब्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन में एटीपी में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चेन में एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां पे जो NADPH2 बना है, यह NADPH2 इस ग्लाइकोलिसिस क्रिया में तो नहीं, बल्कि आगे वाले जो प्रोसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चेन में, यहां पर ये NADPH2 एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है, यह ग्लाइकोलिसिस की क्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होना बहुत ही जरूरी है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, मैंने आपको पहले बताया, इसे TCA साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसे TCA साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पे आप लोग सभी लोगों को ध्यान देना बहुत जरूरी है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के थ्रू किसमें चेंज होता है, पाइरूविक एसिड में। ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, अब ये जो पाइरूविक एसिड है, एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन दोनों में, अगर हम एरोबिक की बात करें,
एरोबिक रेस्पिरेशन में ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होकर के किस में जाएगा? क्रेब्स चक्र में जाएगा। और एनारोबिक कंडीशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के कंडीशन में ये पायरुविक एसिड किस में चेंज हो जाता है, किस में, किस प्रोसेस में आगे भाग लेगा? फर्मेंटेशन के प्रोसेस में। फर्मेंटेशन मींस किण्वन, ठीक है? आप लोग समझ लीजिए, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के दौरान पायरुविक एसिड में चेंज होता है। इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस का पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ग्लाइकोलिसिस एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों श्वसन की क्रिया में भाग लेगा। तो पायरुविक एसिड एरोबिक कंडीशन में, मतलब ऑक्सी श्वसन में, ये एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होकर के क्रेब्स साइकिल में आगे भाग लेगा। और एनारोबिक कंडीशन में ये फर्मेंटेशन में आगे, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में आगे बढ़ेगा, ठीक है? क्रेब्स चक्र जो होता है, ये क्रेब्स साइकिल श्वसन की क्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है, जिसमें पीएटीस के और आईसीआर बीएचयू में बहुत ही ज्यादा इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्रेब्स साइकिल का क्या महत्व है। मैंने आप लोगों को बताया क्रेब्स साइकिल को टीसीए साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। टीसीए का फुल फॉर्म होता है ट्राई कार्बोक्सिलेस एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक चीज और भी मैंने बताया, इसे साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है, साइट्रिक एसिड साइकिल। जो साइट्रिक एसिड होता है, इसे क्रेब्स साइकिल को साइट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोला जाता है या फिर टीसीए साइकिल क्यों बोला जाता है? यहां पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है जो आप लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। ग्लाइकोलिसिस के बाद जब क्रेब्स साइकिल की क्रिया होती है, तो आप लोग एक चीज समझ लीजिए, बहुत सारे बुक्स में आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में एंट्री करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है आप लोगों को, जो कि जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप लोग यहां पे समझिए, ग्लाइकोलिसिस से क्या बना? पायरुविक एसिड बना। अब ये जो पायरुविक एसिड होता है, ये पायरुविक एसिड टोटल 3 कार्बन कंपाउंड का होता है, और ये पायरुविक एसिड किस में चेंज होता है? एसिटाइल कोएंजाइम में। और यही एसिटाइल कोएंजाइम है जो क्या होता है, आगे क्रेब्स चक्र में भाग लेता है, क्रेब्स चक्र में ये भाग लेता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है, ये कितने कार्बन का होता है? 2 कार्बन का होता है। दैट मींस कि यहां पे पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम के बनने के प्रोसेस में यहां पे एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल क्या होता है? बाहर निकलता है। तो यहां पे क्या हो गया? एक कार्बन लॉस हो गया। और यहां पे कितना एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन हो गए। तो कार्बन, 2 कार्बन वाला जो एसिटाइल कोएंजाइम है, ये क्रेब्स साइकिल में एंट्री करता है, कोएंजाइम। और आप लोगों को एक चीज बहुत जानना बहुत जरूरी है कि क्रेब्स साइकिल कहां पे, कोशिका के किस भाग में, किस अंग में पूर्ण होता है? कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्रेब्स साइकिल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, क्रिस्टी, मैट्रिक्स। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के किस पार्ट में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है?
क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। ओके दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस साइकिल समझ में आ गया होगा। अभी बात करते हैं क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्शन के बारे में। जिस प्रकार हम लोगों ने देखा ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्शन क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी का निर्माण होता है, ग्लाइकोलिसिस में कितने एनएडीपीएच2 का निर्माण होता है, उसी प्रकार हमें यहाँ पे देखते हैं क्रेब्स साइकिल में कितने एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इस क्रिया में टोटल एक एटीपी, ओनली वन एटीपी का निर्माण होता है और NADPH2 के 3 मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। ठीक है, NADPH2 के कितने मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, 3 मॉलिक्यूल्स का, और ATP के कितने मॉलिक्यूल्स का, 1 मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो हमारा प्रोसेस है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन के नाम से या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, साथियों आप सबको ये बात पता होना चाहिए कि जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में एटीपी का निर्माण होता है, इसके साथ ही साथ एनएडीपीएच2 का भी निर्माण होता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा स्थिर संचित होती है वह एटीपी के रूप में होती है। अब ये जो एनएडीपीएच2 है ये भी एक ऊर्जा का ही रूप है, तो हमको हमारे सेल को ये जरूरी है कि ये जो NADPH2 है ये NADPH2 किस में पर कन्वर्ट हो, ATP में कन्वर्ट हो, तभी तो हमारे सेल्स को और हमारे प्लांट बॉडी को या हमारे बॉडी को क्या मिल सकता है, एनर्जी मिल सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में मेनली क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस के दौरान एंड क्रेब्स साइकिल के दौरान, यहां पे NADPH2 के NADPH2 के 2 मॉलिक्यूल्स बने और यहां पे NADPH2 के कितने मॉलिक्यूल्स बने, 3 मॉलिक्यूल्स बने। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था एक NADPH में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं ATP के, 3 एटीपी होते हैं। ठीक है, तो यहां पे तो 6 एटीपी हो गया और यहां पे कितना एटीपी हो गया, 9 एटीपी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या होता है, यही NADPH2 किसमें कन्वर्ट होता है, एटीपी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होता है, एटीपी में। और अंततः जो लास्ट प्रोसेस होता है, लास्ट प्रोसेस में हमारे सेल्स में एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार टोटल जो कुल एटीपी का निर्माण होता है ऑक्सी श्वसन के दौरान वह कितना होता है, 38 या 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो ये तो रहा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, जिसमें आप लोगों को सारे प्रोसेस के बारे में बताया गया। अगला वीडियो जो होगा वो इन सारे प्रोसेसेस में, सारे प्रोसेस को अलग अलग से आपको डिफाइन करके बताया जाएगा। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा ग्लाइकोलिसिस पे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी अगर आपको कमेंट्स करने हैं, जो भी सवाल है आप उसको कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।